वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही सुंदर हल्दी ब्लाउज का स्लीव्स का डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए हमने स्लीव्स की कटिंग कर रखी है। हमारे स्लीव्स की लंबाई चौड़ाई लेंगे हम 9 इंच और लंबाई है हमारी 5 इंच। यहाँ पे हम फ्रिल वाला स्लीव डिज़ाइन बनाने वाले हैं। स्लीव्स का शेप देंगे हम 2.5 इंच पे और यहाँ से लेंगे 2 इंच हम सिलाई मार्जिन का और ऊपर से हम यहाँ पे शेप दे देंगे स्लीव्स का। यहाँ पे हम लेंगे स्लीव्स का मोरी का मार्जिन जो है 5.5, उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेके 6.5 इंच 7.5 सॉरी। इस तरह हम यहाँ पे शेप भी बना देंगे। एक दो इंच पे यहाँ पे हम शेप देंगे, गोलाई देंगे, क्योंकि हम फिश कट फ्रिल स्लीव्स बनाने वाले हैं। यहाँ पे हमने इस तरह यहाँ पे शेप दे दिया है। अब इसको हम कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे कट कर चुके हैं इसे। अब इसको खोल देंगे, यहाँ पे एक शेप और कट कर लेंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे 2 स्लीव्स का कटिंग किया है। अब इसको हम मेन फैब्रिक के ऊपर रख कर बिछा देंगे। ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है स्लीव बनाने का। यहाँ पे हमने यहाँ पे पिनअप करके रख दिया है। अब यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे नीचे से। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल सरला फैशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को बजाना, बेल आइकॉन को टच करना ना भूलिएगा। हम छोटे छोटे नॉचेस लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम इसको फोल्ड करके अंदर की तरफ सही कर लेंगे सब सिलाई का। देखिए और यहाँ पे हम एक किनारे पे सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग की। देखिए यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। इसके बाद हम इसको पलट के ऊपर से भी जो हमारा शेप है स्लीव्स का उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उसे हम कट कर देंगे। इसलिए डिज़ाइन हम शादियों में हल्दी फंक्शन के लिए हमें यहाँ पे बनाई है ब्राइडल के लिए। यहाँ पे अब हम नेट का फैब्रिक लेंगे। यहाँ पे मैंने 3 इंच छोड़े नेट का फैब्रिक की पट्टी काट ली है। अब इसको हम फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इसको ज़्यादा खींचना नहीं है, हल्के हाथों से यहाँ पे सिलाई लगानी है। इस तरह हम पूरे फैब्रिक पर एक साइड से सिलाई लगाएंगे। अब हम इसकी फ्रिल बनाएंगे। ये देखिए इस तरह फ्रिल बनानी है धीरे धीरे। सभी फ्रिल एक ही साइज के होने चाहिए। देखिए इस तरह हमें धीरे धीरे फ्रिल बनानी है। इस तरह धीरे धीरे पूरे फैब्रिक की फ्रिल बना लीजिए। देखिए यहाँ पे हमारा फ्रिल बन के रेडी हो चुका है। अब इसको हम लगाएंगे। शेप से 2.5 इंच लेना है और नीचे से
इस तरह हमें गोलाई का शेप दे देना है फिश कट का। अब यहाँ पे हमने फ्रिल के दो पीसेस कर लिए हैं, पहले हम एक पीस लगाएंगे नीचे से। देखिए इस तरह नीचे से हमें सिलाई लगानी है सही से रख के, जिससे कि फ्रिल का भाग हमारे नीचे आए स्लीव्स के। देखिए इस तरह आप गोले में स्लीव्स को स्लीव्स पर फ्रिल अटैच कीजिए। दूसरी स्लीव दूसरी फ्रिल की पट्टी जो हमने बना रखी है उसे अब हम ऊपर से अटैच करेंगे, जिससे हमारा स्लीव फिश कट स्लीव्स का शेप आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने अटैच कर दिया है, अब जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है उसे हम कट कर लेंगे। चलो अब इसे हमने यहाँ पे कट भी कर लिया है, अब इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं लग रहा और सिलाई भी दिखेगी, इसलिए हम इसके ऊपर एक पतली सी लेस अटैच कर देंगे, जिससे कि ये अच्छा दिखने लगेगा, उसका लुक भी अच्छा आ जाएगा और जो हमारी सिलाई का है वो भी नीचे दब जाएगा कपड़ा। और एक लेस हम यहाँ से भी लगा देंगे। देखिए पटापट हम इस तरह हल्के हाथों से लेस लगाएंगे। देखिए ये हमारा स्लीव यहाँ पे बनके रेडी हो चुका है, उसके ऊपर एक जोर से लेस सिलाई लगा देंगे जिससे हमारी लेस ठीक से बैठे। देखिए बहुत ही आसान है इस तरह का स्लीव बनाना, आप ज़रूर बनाइएगा फिश कट फ्रिल स्लीव डिज़ाइन, देखने पहनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसे भी कट लेंगे और जो दोरे निकले हुए होते हैं वो सब कट करके रख देंगे। देखिए यहाँ पे हमारा ये स्लीव बनके रेडी है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। इस तरह हम दूसरा शेयर भी बना लेंगे।